खबर दुर्ग जिले से है, जहां जिला मुख्यालय से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर बसे ग्राम डडोर और बासी सहित आसपास के गांव के सैकड़ों की तादाद में छात्र छात्राएं स्कूली शिक्षा के लिए उफनते पानी के बीच स्कूल जाने को मजबूर हैं। बता दें कि अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम डडोर और बेसिन के बच्चे 4 महीने बरसात के सीजन में उफनते पानी के बीच स्कूल जाने को मजबूर हैं। जानकारी के अनुसार कहने के लिए एक पुल बना है जो कि थोड़ी सी बरसात में ही डूब जाता है, जिसके चलते बच्चों को बहते पानी के बीच से ही स्कूल जाना पड़ता है। वही इस संबंध में यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि कुछ समय पहले PWD के अधिकारियों द्वारा यहाँ एक सड़क बनाई गई थी जो कच्ची सड़क है और कभी भी बह सकती है और जान माल का खतरा बना रहता है, लेकिन जिला प्रशासन के लोगों को हमेशा इस बात की जानकारी देने के बावजूद आज तक यहां पर एक अच्छी सड़क नहीं बन पाई है, जिससे कि बच्चे और ग्रामीण उफनते पानी के बीच में अपनी जान जोखिम में डालकर यातायात करने को मजबूर है। मैं बताया कि इस गांव में क्या 10वीं तक का स्कूल है जो बासिन स्कूल है, और इसके बीच में ये जो आपका देख रहे हैं बांध काफी बड़ा है और 19-20 सालों से ये बना हुआ है, और आगे हमारा धौर एरिया पड़ता है जो धौर नाम का गांव है, तो वहाँ क्या 12वीं तक का स्कूल है, तो जो भी 10वीं पास होते हैं सारे बच्चे इसी रोड से गुजरते हैं। तो कभी कभी किसी साल 100 बच्चे, कभी 50, कभी 80 बच्चे पास होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के लोग रहते हैं, तो इसी रोड से उनको गुजरना पड़ता है। कुछ सालों पहले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके बाद एक और मुख्यमंत्री आया, सरकार भी चेंज हुए, अभी फिर एक मुख्यमंत्री आए हैं। बच्चों को यही समस्याएं हो रही है कि हम भी आसपास के गांव के रहने वाले लोग हैं, कभी ना कभी हमें इस सड़क से गुजरना होता है और बच्चों को इस तकलीफ में देखते हैं, और आज आप लोग के मीडिया के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि आप लोग समस्या से रखिए, क्योंकि जो भी गाँव के मुखिया और प्रधान रहते हैं वो अपनी बातों अलग अलग तरह कलेक्टर के माध्यम से और विधायक के माध्यम से रखते हैं, लेकिन ये सारी बातें आज तक लेटर तक सीमित है, काम नहीं हो रहा है। कुछ टाइम पहले 10 साल पहले मुरुम बस डाल दिया गया, आवाज देखिए मुरुम में डालने की वजह से मुरुम कब तक टिकेगा भाई? एक सुरक्षित व्यवस्था के लिए सुरक्षित रोड चाहिए, और आम जनता को क्या चाहिए? ये सड़क आप जैसे देख रहे होंगे, आप पीछे कैमरा अगर घुमाएंगे तो पीछे वासिन गांव है, इधर धौड़ गांव है, तो दोनों गांव के बीच ये अंदर जोड़ने का एक कनेक्टिविटी माध्यम है। ये समस्या मैडम 19 साल से है, जब से बांध बना है तब से जो है ना, माने बासिंग के बच्चे लोग जो है ढोर में आने पढ़ने के लिए आने जाने में ना इतना तकलीफ बारिश के दिनों में माने पूरा यूनिफॉर्म निकाल के जो है बच्चे लोग आते जाते हैं, कई बार गिरते हैं। तो ये रोड जो है मुख्यमंत्री सड़क के अंतर्गत आता है, ये रोड जो है पूरा अच्छा से बनना चाहिए। जी मैंने 5 साल पहले सुराज दल में एक चिट्ठी लिखा था, उसी के मार्फत पे रोड बना है। उससे पहले जो है माने बच्चे लोग जो है ना इस वैज्ञानिक युग में भी कीचड़ भरे रास्ते में चलने के लिए मजबूर था। ग्राम ढोर में बच्चे लोग पढ़ने के लिए जाते हैं। कौन सा पूर्व माध्यमिक लेके? 12वीं तक है ढोर में स्कूल, 120 स्कूल है ढोर में। वहाँ ढोर में माने करीब करीब 500-600 है, 40-50 बच्चे तो यही बासिंग के पढ़ने के लिए जाते हैं। जी डेली ये तकलीफ से गुजरना पड़ता है बच्चे लोग को। हम मांग करते हैं बच्चे लोग को तकलीफ ना हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ करके जो है जो झूठ मूठ का जो है नारा देते हैं ना, वो जो है अमल में दिखना चाहिए, बच्चे लोग के लिए रोड बनने चाहिए। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ दुर्ग से संवाददाता संध्या जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। संध्या जी, जिस तरीके से जलभराव की स्थिति दुर्ग में देखने को मिल रही है, साथ ही तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं उफनती नदी के बीच से, पानी के बीच से, क्या लगता है अभी की स्थिति की अगर बात करें तो किस तरीके का वहाँ माहौल देखने को मिल रहा है? जी जिस तरीके से दुर्ग जिले में लगातार बारिश हो रही है, उसको देखते हुए जो पानी जिस पानी के बीच में बच्चे जा रहे हैं, ये दुर्ग जिला मुख्यालय से महज 15 से 20 किलोमीटर दूर स्थित बासिन और ढोर ग्राम के बीच का बांध का पानी है, जिसके बीच ये बच्चे 120 साल से पुराना ज्यादा स्कूल बताया जाता है जिसमें पढ़ने के लिए बच्चे और बच्चियां जा रहे हैं, और हर बार बरसात में पिछले 19 सालों से स्थिति बनी हुई है और लगातार ये बच्चे इतने सालों से सफरर होकर के स्कूल तक पहुंचते हैं और पढ़ाई करते हैं। और इसको देखते हुए एक बार यहाँ के लोगों ने जब शिकायत की थी तो वहाँ पुल बनाया गया था जो कि नाकाफी सिद्ध हुआ और वह बरसात में ही डूब जाता है, जिसको देखते हुए बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं इसमें PWD विभाग की भी लापरवाही उजागर होती है, लेकिन इस पर जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दिया जा रहा जिसका खामियाजा ये स्कूली बच्चे भुगत रहे हैं। जी आकांक्षा, वहीं संध्या जी अगर बात करें तो क्या कुछ मांग ग्रामीणों की है अभी या प्रशासन से इसको लेकर अभी तक कोई इस बार शिकायत की गई हो?
जी, इस मामले में यहाँ के ग्रामीणों ने, किसानों ने, वहीं स्कूली बच्चों ने भी, हम जब यहाँ मीडिया के लोग पहुंचे थे तो उनका एक ही कहना है कि इस पुल को जो है उसको बना दिया जाए और ये सड़क को बनवा दिया जाए। और इन लोगों ने इस मामले में जनदर्शन से लेकर के कलेक्टर एवं विभिन्न जनप्रतिनिधियों को भी अपनी मांग सौंपी है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे ग्रामीण काफी परेशान है और सबसे ज्यादा खामियाजा ये स्कूली बच्चे भुगत रहे हैं। जी आकांक्षा। वहीं संध्या जी, अगर जल भराव की स्थिति की बात करें तो ये भी जानकारी सामने आ रही है कि सड़क का भी निर्माण कराया गया था लेकिन पूरी तरीके से नहीं हो पाया। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार गुहार लगाई जा रही है, इसको लेकर प्रशासन क्या कुछ बड़े कदम अब उठा सकता है? जी, इस बाबत जब यहाँ के ग्रामीणों से बात की गई थी तो उनका एक ही कहना है कि जिस तरीके से आने वाले समय में हमें हमारे बच्चों को एक अच्छे हम सुविधा मुहैया करा सके, क्योंकि किसी के भी जिंदगी के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण एक अधिकार होता है और उसी से बच्चे वंचित रह जाते हैं, जो कि बरसात के दिनों में उनके लिए सबसे ज्यादा, यानी शिक्षा लेने के लिए उनको इतना ज्यादा जान जोखिम में डाल करके जाना पड़ता है। वही एक मांग को लेकर के ग्रामीण कई बार लामबद्ध हुए, कई बार उन्होंने अपनी गुहार लगाई, लेकिन जिला प्रशासन अभी तक इसको कोई कार्रवाई दिखता नहीं दिख रहा है। और उनकी एक ही मांग है कि पहले इस सड़क को और इस पुल को बना दिया जाए ताकि बच्चों के भविष्य को देखते हुए उनके लिए एक अच्छा सराहनीय कदम रहेगा अगर ये पुल बन जाता है तो। जी ठीक है, संध्या जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि दुर्ग में जो स्थिति है वो बदहाल होती जा रही है, क्योंकि लगातार लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि जलभराव की स्थिति है, कहीं ना कहीं वहां के जो छात्र छात्राएं हैं वो भी जल में होते हुए स्कूल जाते हुए नजर आ रहे हैं, जान जोखिम में डालते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार ग्रामीणों की ओर से प्रशासन से भी गुहार लगाई जा रही है कि स्कूल का, सड़क का और पुल का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए ताकि बच्चों को आने जाने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।